वहीं बीजेपी ने तिगांव विधानसभा से राजेश नागर को चुनावी मैदान में उतारा है। राजेश नागर के मुताबिक मौजूदा सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं और दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए तिगांव विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार राजेश नागर जी हैं। राजेश जी, उम्मीदवारी पे आपको मिला है, भाजपा ने एक बार फिर से आपको दिया है, कितनी उम्मीदें हैं जीत को लेकर के? दूसरी बात, आगे का रोड मैप क्या रहेगा, क्योंकि आप पहले भी विधायक रहे हैं, आगे का रोड मैप क्या रहेगा, क्या काम अभी बाकी रहेगा? 2019 में तिगांव विधानसभा में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में पहला स्थान मिला था और अब की बार 2024 में भी हमारी तिगांव विधानसभा को 90 विधानसभाओं में पहला स्थान मिलेगा और जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद मेरे क्षेत्र की जनता मुझे दे रही है, उससे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुराने रिकॉर्ड को, जो पहले जितनी मतों से जीते उससे ज़्यादा मतों से जीतकर तिगांव विधानसभा हरियाणा विधानसभा में जाएगी। आगे, क्योंकि आपने यदि 5 साल जैसे आपने काम किया, आगे कुछ ऐसे काम होंगे जिनको कि आपको करना बाकी है, जनता के बीच में आप जाएंगे तो आपने वादे क्या किया करेंगे कि इन कामों को आपको आगे करना? मैं एक बाईपास के लिए हमने मांग रखी है जो मजावली पुल को जोड़ेगा, एक हमने टाउन पार्क के लिए बात करी ग्रेटर फरीदाबाद में, एक पार्क हमारा पल्ला बसंतपुर सेतपुर अगवानपुर के लिए बात करी है, एक हॉस्पिटल की हमने पल्ला सेतपुर बसंतपुर अगवानपुर के लिए मांग रखी है, एक हमने इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम जो हमारे ग्रेटर फरीदाबाद के युवाओं के बच्चों के लिए, उसके लिए हमने एक मांग रखी है। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जाए तो विपक्ष आप लोगों के ऊपर हमलावर है, कह रहा है कि आप लोगों का इस बार सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, इस बार आप लोग आने नहीं जा रहे, 10 साल देख लिया जनता ने, आप लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। सुपड़ा उनका साफ होने जा रहा है, उनके आपसी फूट, आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी से आप देख सकते हैं, आज तक उन्होंने अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। पहले वो कहते थे हम अपने अकेले दम पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, आज वो आप पार्टी से समझौता कर रहे हैं, समाजवादी से समझौता कर रहे हैं, एनसीपी से समझौता कर रहे हैं, उनकी आपसी गुटबाजी लड़ाई उनको ले डूबेगी और तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन किसान नाराज कह रहे हैं कि विपक्ष कहे कि किसान नाराज है, युवा नाराज है, सबको चौतरफा ये कहा, कोई नाराज नहीं है, कितना जितना किसानों के लिए काम हमारी सरकार ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया, MSP पे सारी फसलों को लिया जा रहा है, 6,000 उनके खाते में जा रहे हैं, अब अगर मुआवजा फसलों का दिया गया है, सबसे ज़्यादा हरियाणा में दिया गया है, तो किसान बिजली जो मिल रही है किसानों को फ्री मिल रही है, तो इस तरह से बहुत सारे कार्य किसानों के लिए हमने किए हैं। जीत को लेकर के आप आश्वस्त हैं? आप बिल्कुल 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 धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन महबूब के साथ राहुल मिश्रा जी मीडिया।